कंटेस्टेंट नंबर वन मानसर ताती लॉन्ग जंप के लिए तैयार। और शायद 8-9 फीट होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, ये वार्म अप है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखते हैं फरान क्या करता है। कंटेस्टेंट नंबर टू फरान मुंडा फ्रॉम रंगागोरा। ये कितना होगा? लगभग ये 12-13 फीट होगा शायद। 12-13 फीट ना? हाँ, लेकिन एक्सेलेंट के लिए कितना चाहिए? 16 या 18 कुछ ऐसा चाहिए। कॉन्टेस्टेंट नंबर थ्री फ्रॉम जोहिंग डिफेंस ट्रेडर, लगभग 17 फीट, लगभग 15-16 फीट होगा, 15 फीट। कॉन्टेस्टेंट नंबर फोर फ्रॉम सिलोनी मार्टी स्टेट, लेकिन कूटना से डर गया। चल चल। कंटेस्टेंट नंबर फोर हेमंत कंधो, लगभग 7-8 फीट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और दो दो अटेम्प्ट मिलेगा सबको, देखते हैं किसका हाईएस्ट होता है। अभी तक दीपेन आगे है। हाँ, लगभग डिपेन का आसपास पहुंच गया है, फिर भी थोड़ा सा शायद पीछे होगा। मोनेश्वर शायद हेमंतो से आगे फिलहाल टॉप थ्री में चल रहा है। पोजीशन थ्री, एक नंबर पे चल रहा है डिपेन, सेकंड है फ्रान, थर्ड पे है मोनेश्वर, फोर्थ पे है हेमंतो, फिर से दीपेन तैयार। जय श्री राम के नाम से चलिए। 17 फीट एक आइडिया के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, 17 फीट होगा, लेकिन पता नहीं। चल हेमंत तो फिर से तैयार, लेकिन फिर से पहले से आगे, फर्स्ट राउंड से थोड़ा आगे। अभी शायद 8 फीट मारा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अभी तैयार है फिर से फ्रान। ओ वाओ ग्रेट, 15 फीट शायद, शायद 14-15 फीट तो हो ही जाएगा। फिर भी डिपेंड से पीछे, इधर रेखा भी है तैयार। ये कौन सा जाम किया मुझे भी पता नहीं, फिर भी फिर से दीपेन है तैयार। तरीका नहीं हुआ बोल दिया। पता नहीं शायद ये डिस्क्वालिफाइड, नहीं ये राउंड के लिए, नहीं नहीं फाउल नहीं हुआ है, ठीक ही है, ठीक ही गया है, लेकिन पहले से पीछे। फिर से है हेमंत कंधो तैयार, लेकिन मेरे हिसाब से फाउल हुआ है, मेरे हिसाब से फाउल हुआ है। यहाँ टच करके गए आप, टच से मतलब थोड़ा बाहर गया है शायद, तो ये आपके लिए फाउल होगा। तो मोनेश्वर का है ये लास्ट अटेम्प्ट, देखते हैं। चलिए हेमंतो से कम आगे, लगभग 10 फीट होगा, 10 से 11 फीट, लेकिन ये आसाम पुलिस के लिए काफ़ी नहीं है, उस और ज़्यादा चाहिए। फिर से है फ्रान तैयार, पहले 3 राउंड से पीछे है, मतलब अपना बेस जो देख के रखा है उससे कम। हेमंत तो है फिर से तैयार, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। चलिए कुछ ये आइडिया दे रहा है, कुछ टेक्निक बता रहा है। ओ वाह ग्रेट ग्रेट डिपेंड, चल चल ठीक है। फिर से मोने सर है तैयार, देखते हैं। मरे मरे मरे, अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होते जाएगा। जाओ रेखा तुम भी लगा दो,
एक दो रन लगा दो, सबको दिखा दो। एक्सेलेंट वाला, एक्सेलेंट वाला परफॉर्मेंस। ओ ये फाउल माना जाएगा। आपको आसाम पुलिस के लिए 3 अटेम्प्ट मिलेगा। फ्रान का यही लास्ट अटेम्प्ट था, अभी ये घर जाएगा। ये सबको टाटा बाय बाय बोल रहा है। हेलो बहू, शायद टाइम हो गया है। अभी बाकी है। अभी रेखा है तैयार, सबको साइड करवा रही है। अभी देखते हैं कितने छलांग लगाती है, कितने मीटर की छलांग। ओ वाओ वाओ, ओ तो पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा गया है हेमंत में। शायद फिर भी ये काफी नहीं होगा। अभी कुछ डिपेंड टेक्निक बताएगा, यहाँ से स्पीड लेना है। ठीक ही है, ऐसे ही होते रहेगा। चलो चलो चलो, मैं तो एंकोरिंग ही कर रहा हूँ। अभी तक मेरा चेहरा तो कोई नहीं दिखा है। मैं हूँ मनदीप सिंह। ओ ये फाउल है, ये अटेम मैंने दिखा नहीं पाया। तो लॉन्ग जंप के बाद हम लोग सीधा जाएंगे जिम, वहाँ जाके वर्कआउट करेंगे। ओ वाव, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है हेमंतों में, शायद पहले से आधा फीट ज़्यादा। सब कुछ आप लोगों का आशीर्वाद है। वेलकम, ये सब हम लोग की आशीर्वाद से हो रहा है, बोला है। अभी फिर से एक्सेलेंट वाला परफॉर्मेंस देखा जाएगा डिपेंस सूत्रधार के तरफ से, फ्रॉम जोहिंग टू स्टेट। चल चल चल, ओ वाओ, शायद पहले जैसा ही लगा है, कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होता है, धीरे धीरे होता है। हेमंत तो फिर से है तैयार। वाओ काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, पहले से जो पहला अटेम्प्ट था उससे काफ़ी ज़्यादा। ओ हेमंत मोनेश्वर, वाओ हेमंत मोनेश्वर का काफ़ी जबरदस्त टक्कर चल रहा है। वाओ ग्रेट। तो आज का लॉन्ग जंप, आज का रनिंग, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। तो अभी जाएंगे जिम, वर्कआउट करेंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।